हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि मैथ वाली सीरीज लगातार प्रगति पर है, जिसमें साथियों सरलीकरण तथा घातांक और करणी की जो थ्योरियां हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब उससे संबंधित क्वेश्चन पर चर्चा हो रही है। क्वेश्चन से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में कुछ क्वेश्चन लगवाया गया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर विजिट करिए और उसे देखिए ना। ये दूसरा लेक्चर है साथियों क्वेश्चन से संबंधित। आज इस कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दुनिया की कोई ऐसी परेशानी नहीं ना, ध्यान दीजिएगा, दुनिया की कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो क्या हो साथियों, हमारे साहस से क्या हो, बड़ी हो। ध्यान दीजिएगा, दुनिया की ऐसी कोई परेशानी नहीं है ना जो हमारे साहस से क्या हो, बड़ी हो। जीत और हार हमारे सोच पर निर्भर करती है साथियों। जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लेंगे तो हारना तय है, और अगर ठान लिए ना तो जीतने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है साथियों। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी ना, हिम्मत नहीं हारना है। ये जो हाथ की लकीरें घिस गई है ना, ये भी बदलेंगी, हिम्मत नहीं हारना है। चलिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूरे शिद्दत से बने रहिए, यकीन मानिए वीडियो जैसे ही खत्म हुआ ना क्लास, आपको लगेगा कि जितने क्वेश्चन हम कराए ना, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पेपर में आ गया, चुटकी में उड़ा दीजिएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन को, क्या दे रखा है साथियों। पहला क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट टू प्लस वन बाई अंडर रूट टू है ना, का होल स्क्वायर है, मतलब करणी में दो प्लस एक बटे करणी में दो का क्या है, होल स्क्वायर है। कह रहा है इसे हल करिए और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कुछ दे रखा है ना, चार ऑप्शन है, कोई ना कोई एक सही होगा। चलिए हल करते हैं ना, तो थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए ना, क्योंकि कुछ फार्मूले यूज होंगे बीजगणित के ना। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए साथियों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगला ध्यान दीजिए, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कहे, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ध्यान दीजिएगा, प्लस वाले में प्लस टू ए बी, माइनस वाले में माइनस टू ए बी, बाकी सब कुछ सेम। अगला ध्यान दीजिए, अगर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाए, दूसरे में ए माइनस बी ना, ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या लिख दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। कुछ ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लिख रहे हैं, आप लोग भी क्या करिए, लिख लीजिए ना, लिख लीजिए और इसी फार्मूले का यूज करेंगे इस सवाल के लिए ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे साथियों बी, यानी ए प्लस बी का क्या बन गया, देखिए होल स्क्वायर, क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। वैल्यू पुट करिए ना, वैल्यू पुट करिए। देखिए मैथ एक ऐसा विषय है साथियों, जितना मेहनत करेंगे उतना निखर के आएंगे, मेहनत करने से पीछे मत भागिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की क्या है, सीढ़ी है ना, सीढ़ी। और अगर सीढ़ी छोड़ दीजिएगा कैसे आसमान तक जाइएगा, नहीं जाइएगा ना, सीढ़ी छोड़ दीजिएगा आसमान तक नहीं जा पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसी फार्मूले से चलेंगे साथियों। चलिए ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना, अंडर रूट टू, इसका क्या हो जाएगा साथियों, स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिए बी स्क्वायर, यानी क्या, वन बाई अंडर रूट टू का क्या, होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिए टू, टू लिख दिए ए और बी, टू ए की वैल्यू रखिएगा अंडर रूट टू, बी की वैल्यू रखिएगा वन बाई अंडर रूट टू। ध्यान दीजिए टू ए बी, देखिए टू ए और बी इनटू के फॉर्म में रख दिए भाई, देखिए अब नीचे वाला ऊपर से क्या होगा साथियों, कट जाएगा ना, रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए कल हम बताए थे, कल क्या बताए थे साथियों, हाँ, कि करणी में अगर कोई भी संख्या है ना, इसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर, तो हाई रूट क्या होगा साथियों, हट जाएगा ना, रूट क्या होगा, हट जाएगा, वही करने जा रहे हैं। करणी में दो का स्क्वायर है ना, मतलब रूट क्या होगा साथियों, हट जाएगा करणी, क्या बचेगा, दो।
प्लस वही हाल यहाँ पे भी होगा, नीचे वाली कर्ड़ी क्या होगी हट जाएगी 1/2। प्लस साथियों ये कैंसिल, केवल क्या बचा दो, ध्यान से समझिएगा भाई, दो में दो क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा ना, ई भी जुड़ेगा एलसीएम से जोड़ेंगे इसको, पहले इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 2+2=4 साथियों 4 + 1/2, ध्यान दीजिएगा 4+1/2। अगला ध्यान दीजिए, अगले लाइन में क्या करेंगे, दो का गुणा कर दीजिए 2 × 4=8, एक जोड़ दीजिएगा तो 9 बटे 2। क्या ऑप्शन में 9/2 है? जी नहीं, नहीं है, तो क्या करेंगे सही बटे में भाग दीजिए ना, सही बटे में भाग दीजिए। कैसे दिया जाएगा देखिए, 2 × 4=2 × 8, 5 बार ले जाइएगा 10 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नहीं ले जाएंगे ना, तो 2 × 4=8 कितना बच गया 1 ना, तो सही बटा में ऊपर 1 रखिएगा जितना बच जाएगा, और नीचे में हाई 2 रख दीजिएगा। देखिए तो 2 × 4=8, 8 × 1=9, कल हम बताए थे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें गुणा और इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और बटे के फिर वही नीचे वाला लिख देते हैं, 2 × 4=8, 8 में जोड़ दीजिएगा 9, और 9/2, देखिए वही चीज आ गया, यानी 4 सही 1/2, ऑप्शन ढूंढिए 4 सही 1/2, ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों, सी नंबर, सी इसका राइट आंसर होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाँ, 25 − 48 / 6 + 12 / 4, 2, ध्यान दीजिएगा कौन सा सवाल बदमाश वाला, बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास आ गया, ध्यान दीजिएगा बोर्ड मास से कैसे हल करेंगे साथियों। हाँ, पहले ब्रैकेट, फिर आप यानी का को तोड़ते हैं, डिवाइड भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करेंगे साथियों, पहले भाग दीजिएगा, और भाग यहीं पे है 6 × 8 = 48, चलिए पहले 25 को लिख लीजिएगा, माइनस क्या कर लीजिए 8, क्योंकि 6 × 8 = 48, प्लस साथियों हाँ अब गुणा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है गुणा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 12 × 2=24, ध्यान दीजिएगा, और 24 हाई है प्लस, हाईयो है प्लस, हाई 8 माइनस है, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़िएगा, अरे एक ही जात वाले को एक साथ जोड़िएगा, और दूसरे की जात वाले को घटा दीजिएगा, मतलब प्लस प्लस को साथ में, माइनस को एक साथ, चलिए ध्यान दीजिए, तो 24 में 25 जोड़ दीजिएगा ना, तो हो जाएगा साथ कितना 49, और 49 में से जैसे ही 8 घटा दीजिएगा ना, जैसे ही क्या करिएगा 8 घटा दीजिएगा, आंसर क्या मिल जाएगा साथियों 41, क्या मिल जाएगा 41, ऑप्शन चेक करते हैं ना, ऑप्शन चेक करिएगा 51 नहीं सही है, 61 नहीं सही है, 43 नहीं सही है, कौन सा सही हो गया 41, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ना, क्योंकि मैथ की सीरीज है, मैथ देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आ गया साथियों तो जिस भी पेपर में पूछता है 25-30 क्वेश्चन ना, वो आपके सॉलिड अंक होंगे, सॉलिड मतलब कोई टेंशन नहीं यार, इतिहास भूगोल इतना ज्यादा पूछता है कि कहां से पूछ देगा, 2-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं ना या नहीं आएंगे, लेकिन ये कहां से पूछेगा है, कॉन्सेप्ट के बाहर दे देगा क्या, कॉन्सेप्ट के बाहर देगा क्या, नहीं देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, कितना बड़ा क्वेश्चन दे, हल करेंगे थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट हल करके आंसर जरूर ला देंगे, मतलब आपको पूरा पूरा नंबर मैथ दिला सकता है, पूरे सिद्धस्य सीरीज में बने रहिए, वो यकीन मानिए 0 से जीनियस वाली सीरीज है, हम आपको जीनियस बनाएंगे, मैथ नहीं आती, मैथ उंगलियों पे डांस करेगा, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, हाँ देख के डर लग गया, करड़ी आ गई है ना, बाप रे करड़ी आ गई, भागे है ना, छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना, सरल क्वेश्चन है, तरीका समझ लीजिए, हल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक रूल बता रहे हैं, देखिए रूल जहां पे आता रहेगा क्वेश्चन में हम बताते रहेंगे, क्योंकि ऐसे बताएंगे तो मतलब नहीं समझ में आएगा कि कहां पे यूज करना है, रूल तभी बताइए जब यूज करना है, ताकि पता चले कि उस रूल को कैसे यूज करते हैं। चलिए मान लीजिए कि कोई करड़ी है, अंडा उठाया, और यहां मान लीजिए कुछ नहीं लिखा है ना, और अंदर एक्स लिख दिया गया, तो इसका मतलब समझिएगा है ना, इसका मतलब समझिएगा कि जहां कुछ नहीं है वहां 2 है, वह क्या है दूसर की घात वाली करड़ी है, यानी क्या यक्ष के घात पे 1/2 हो जाएगा, और जैसे यहाँ 3 लिख दिया, समझ लीजिएगा तीसर की घात की करड़ी है, यक्ष के घात पे क्या हो जाएगा साथियों 1/3 हो जाएगा, अगर 4 लिख दे तो समझ लीजिएगा चौथी घात वाली करड़ी है, 1/ कितना हो जाएगा 4, ठीक है, अरे वैसे भी आधा ना करता है जी, 4 होगा करड़ी में तो बाहर कितना निकालिएगा 2, आधा नहीं हो गया, ठीक है। हाँ चलिए क्या करेंगे अब, यही वाला रूल कहाँ लगाएंगे साथियों, इनके पास ना, इनके पास यही रूल लगाइएगा, लगाइए तो रूल देखिए, चलिए कर्डी में क्या है साथियों 2 है, कितने घात की, तीसरी घात की, तो इसको देखिए
ध्यान से समझिएगा, एक रूल और बताए थे, क्या बताए थे कि करणी में अगर यक्ष हो गुड़ते करणी में वाई हो तो क्या लिख देंगे, करणी में यक्ष वाई, बताएं गुणा कर सकते हैं। तो देखिए हई तीसर की घात का हई है और तीसर की घात का हई है, दोनों को एक साथ गुणा कर लीजिए, दोनों को क्या करिए एक साथ गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा साथियों, हाँ बड़ा कोष्टक का कोई मतलब नहीं, हटा दे रहे हैं फिलहाल क्योंकि बाहर कुछ आइए नहीं, हटा दीजिए। तो करणी में तीन तीसरी घात की करणी है, अब करणी में दो, अब करणी में तीन गुणा करिए करणी में छह हो जाएगा, ठीक है। अब गुणते देखिए हाई वाला और हाई वाला एक का जात के हैं, है ना, हाँ तो क्या करिएगा दो तिया छह, ये दूसरी घात की करणी में छह हो गया, ध्यान समझिएगा इसको क्या लिखेंगे। अभी देखिए ये ऐसे था ना तीसरी घात पे, तीसरी घात करणी क्या लिखे थे, घात पे एक बटे तीन, इसको क्या लिखेगा छह के घात पे एक बटे तीन, ध्यान से समझिएगा नहीं गड़बड़ा जाइएगा, है ना। गुड़ते क्या लिखेंगे छह, ये देखिए दूसरी घात वाले तो एक बटे क्या लिखेंगे दो, बस आंसर होने वाला है, ध्यान दीजिएगा हाई दोनों सेम जात, दोनों क्या है सेम जात, तो घतवा आपस में क्या होगी जुड़ जाएगी, जोड़ दीजिए घात को आपस में, छह के घात पे एक बटे तीन और प्लस एक बटे दो, ठीक है कोई दिक्कत। एक बटे तीन और एक बटे दो को अब देखिए जोड़ने चल रहे हैं ना, एक बटे तीन और एक बटे दो को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा छह के घात, देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना लेंगे साथियों, छह, कितना लेंगे छह ले लीजिएगा एलसीएम। आई देखिए तीन से छह को काटिएगा दो बार में, चलिए नहीं समझ में आ रहा है साइड में देख लेते हैं, वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू को हम ऐड कर रहे हैं ना, चलिए कितना एलसीएम ले लें छह, कैसे हल करते जिनको नहीं पता यहाँ ध्यान देते रहिए, हाई तीन का भाग इसमें देते तीन दूनी छह और दो जितना आता है ना जितना आया उसी का इसमें गुणा करते हैं, तो दो आया दो का गुणा एक में करिएगा तो दो हो जाएगा, फिर तुरंत अगला वाला चिन्ह लगा दीजिएगा प्लस, दो तिया छह और तीन का गुणा एक में करिएगा ना तो तीन एक कम तीन, जोड़ दीजिए तो तीन दो पांच बटे कितना साथियों छह, यानी इसको आप हल करिएगा ना कितना आएगा पांच बटे छह, यानी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ कितना पांच बटे छह, यानी छह के घात पे पांच बटे छह, ऑप्शन ढूंढिए तो छह के घात पे पांच बटे छह, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दो क्या हो गया इसका करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन अभी चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, सीरीज में भरे रहिए ना। अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, अगला क्या कह रहे हैं, पच्चीस का चार माइनस तीस और प्लस दुई के घात पे दुई प्लस अठारह का मान कितना होगा ना, चलिए अपने बोधमास वाले यानी बोधमास वाले क्या करेंगे थ्योरी से चलेंगे ना, हाँ बदमाश वाले थ्योरी से चलेंगे और इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हाँ इस क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करेंगे और जो आंसर होगा सामने आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए पहले किसको हल करते साथियों, का को, का से भी पहले किसको ब्रैकेट को, है ना, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं का ब्रैकेट के बाहर है आप हल कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर का रहता तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए सबको साथ में ही हल कर लेते, चलिए 25 का 4 यानी 25 चौके 100 कैसे आया कैसे आया, अरे का मतलब गुड़ा, 25 में 4 का गुड़ा करिएगा कितना 100, आगे का सेम छापिए माइनस 30 प्लस, चलिए ब्रैकेट में चलते हैं 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना 18, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार, बच्चा वाला सवाल है ना, हाँ चलिए 100 में से 30 को घटा दीजिएगा, कहिए पहले ही क्यों घटा दिए, अरे यार प्लस है आगे की चीजें अलग है घटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 70 और प्लस 18 में 4 में 18 जोड़ दीजिएगा कितना 22, है ना जोड़ दीजिए कितना आ गया आंसर 92, ऑप्शन दिख रहा है जी हाँ 92 दिख रहा, उड़ा दीजिएगा तुरंत, और ये चीज ध्यान दीजिए इस पे कोई ट्रिक नहीं है साथियों, ट्रिक वाला जो चीज होगा हम बताएंगे ट्रिक, टेंशन मत लीजिए, ये तो आपको नियम से चलना होगा, यहाँ कौन सा ट्रिक लगाइएगा यार, हाँ क्या ट्रिक लगाइएगा खुद सोचिए, इतना आप समझदार हैं कोई ट्रिक व्रिक नहीं, यहाँ पे अपने नियम चलिए, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, अगला देख के ही डर लगेगा ना दशमलव दशमलव आ गया, ठीक है लेकिन कोई डरने की बात नहीं सब काट दिया जाएगा ना, चलिए ध्यान दीजिए कैसे, देखिए 16 से देखिए दो बार में कट जाएगा, 16 दुनी सब गुणा के रूप में आप काट सकते हैं, 16 दुनी 32, देखिए एक अंक पे दशमलव एक अंक पे दशमलव कोई दिक्कत नहीं है, दो बार में काट दीजिए इसको, दो दुनी 4, दो अंक पे दशमलव दो अंक पे दशमलव दो बार में काट दीजिए, दो दुनी 4 भुला दीजिए दशमलव, क्योंकि जब बराबर बराबर अंक पे तो कोई दिक्कत नहीं दशमलव, तीन अंक पे दो दुनी 4 कट गया सब, चलिए काट के लिख दे रहे हैं,
इससे काटिएगा, ये दो बार में कट जाएगा एक बट्टे दो, ध्यान दीजिएगा, इससे इसको काटिएगा, फिर से साथियों नीचे कितना दो, दो दुनी चार, फिर से इससे इसको काटिएगा दो दुनी चार, अब ध्यान दीजिए सोलह से दो काटिएगा ना ऊपर बत्तीस हो जाएगा, सोलह दुनी बत्तीस, सबको काट दिए, देखिए सब छोटा हो गया, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, है दो दुनी चार कट गया, ऊपर एक लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, दो दुनी चार कट गया, दो दुनी चार कट गया, सोलह दुनी बत्तीस कट गया दो, अभी देखिए है एक दो से एक दो काट दीजिए, एक दो से एक दो उड़ा दीजिए, कितना बचा ऊपर एक, नीचवा दो दुनी चार, एक बटे चार आया, क्या ऑप्शन में है, नहीं है, दशमलव फॉर्म है, भाग देंगे आप, अब कैसे भाग दीजिएगा, कहिएगा एक में तो चार तो भगवा नहीं जाएगा, जाएगा क्या करिए, हाँ ध्यान दीजिए जैसे ही भाग ले जाएगा पहले कितनी बार, जीरो बार, क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो जीरो बार, ठीक है, फिर जैसे ही दशमलव लगाइएगा ना ऊपर हो जाएगा दस, कितना हो जाएगा दस, अब भाग दीजिए चार से दस में, तो चार दुनी के आठ, दस में से आठ घटाइएगा दो, ऊपर हो गया दो, अभी चार से भाग जाएगा नहीं जाएगा, अपने आप दशमलव लगाए ना तो दो का कितना हो जाएगा बीस, है ना, दो हो जाएगा बीस, तो चार पांच बीस, यानी ऐसे भी देखिए एक चौथाई है यार, 25% ना, यानी 0.25 आंसर आया, ऑप्शन ढूंढ लीजिए 0.25, देखिए ध्यान से अगर आप सोचिए तो पहले देखिए हम लोग कितना बड़ा लगाते थे, अब देखिए धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको मेहनत करना है और चीजों को कम लाइन में कोशिश करिए लगा देना एक लाइन में, है ना। देखिए अगला सवाल साथियों, अगला क्वेश्चन में क्या है ना, चार सही चार बटे पांच प्लस भागे तीन बटे सात का सात प्लस चार बटे पांच, हाँ इसको क्या करना है, हल करना है ना, एकदम तरीका देखिएगा, पहले किसको हल करेंगे साथियों, का को, है ना, तो चलिए पहले इसको तोड़ लीजिए, पांच चौके बीस चार चौबीस बटे साथियों कितना, हाँ पांच, भागे रहने दीजिए तीन बटे सात, का को पहले हल करिएगा बुरा हो जाएगा, अब प्लस चार बटे के पांच, बाकी सब कुछ सेम हम क्या किए उतार दिए ना, सेम उतार दिए, हाई देखिएगा सात से सात क्या होगा साथियों, कट जाएगा ना, हाँ अब कहिएगा सर पहले भाग करते गुड़ा क्यों कर दिए, अरे यार इक्का वाला गुड़ा था ना, पहले इसी को हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा अब हो गया साथियों चौबीस बटे के पांच, अब भाग है ना, भाग तीन के रूप में है ना, तो जैसे इसको भाग को गुड़ा में बदलिएगा ये उलट जाएगा, एक बटे कितना हो जाएगा साथियों तीन हो जाएगा, अब प्लस चार तिया बारह, अब बटे पंद्रह में पचास, माइनस एक बटे के पांच, सब साथ में चलिए, हाई तीन आठे चौबीस, देखिए आठ बार में कट जाएगा, आठ का गुणा एक में करिएगा ना आठ, और नीचवा कितना हो जाएगा साथियों पांच, ध्यान से समझिएगा, प्लस देखिए प्लस बारह बटे कितना पचास, माइनस एक बटे के पांच, हम कुछ भी नहीं नया किए हैं, सब नियम से चल रहे हैं ना एकदम नियम से, अब देखिए तीनों का क्या ले लीजिए लसर, कितना हो जाएगा साथियों पचास, लसर क्या होता है जो सभी संख्याओं से क्या हो कट जाए पूरी तरीके से ना, और कम से कम वाला मान हो, सौ कट सकता था, मिनिमम वही लीजिए जो सभी संख्याओं से क्या हो कट जाए, चलिए पांच दहा में पचास, दस बार में कट जाएगा, और दस का गुणा आठ में करिएगा तो अस्सी, दस का गुणा जब आठ में करिएगा ना अस्सी हो जाएगा, पचास से पचास काटिए एक बार में कट जाएगा, और पचास का एक बार में कटेगा, एक का गुणा बारह में करिएगा बारह हो जाएगा, माइनस पांच दहा में पचास, दस का गुणा एक में करिएगा तो दस हो जाएगा, देखिए अस्सी में बारह जोड़िएगा बानवे, अब बानवे में से दस घटा दीजिएगा साथियों कितना, हाँ बयासी बचेगा, बटे कितना पचास, दो से ऊपर नीचे क्या करिए काट दीजिए ना, दो से ऊपर नीचे काट दीजिए, ऊपर हो जाएगा साथियों इकतालीस, नीचे कितना पच्चीस, अब ये नहीं कट सकता ना, इकतालीस बटे पच्चीस, ऑप्शन ढूंढिएगा इकतालीस बटे पच्चीस, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला इसका करेक्ट लेना, अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जो क्या करिएगा आप, हाँ होमवर्क के तौर पे लगाने की कोशिश करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी क्या करिएगा बताइएगा साथियों, देखिए दो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं ना, होमवर्क के तौर पे दो क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप जरूर बताइएगा साथियों, पूरे शिद्दत से मेहनत करिए ना, पूरी शिद्दत से मेहनत करिए, पूरा कायनात आपको सफलता दिलाने में लग जाएगा, पूरे मेहनत से एकदम जोर पूरा जोर लगा दीजिए ना, अब की बार आर या पार, बस ये सोच के पढ़िए कि यही बार आखिरी है, यही बार आखिरी है, इसके बाद कभी नहीं पढ़ना, बस ध्यान दीजिएगा उसी दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन ये सोच लिए ना कि यही आखिरी है, यही मौका क्या है आखिरी है, देख लीजिएगा
यकीन मानिए उस दिन सफल हो जाएंगे। चलिए साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।